हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में देखा था, है ना। उसमें मैंने ये बताया था कि व्हेन एवर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, देन वी कैन रिप्लेस ऑल सेल्स बाय ए सिंगल सेल और बैटरी, है ना, हुज ईएमएफ इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल। और हम क्या करेंगे जब बैटरीज क्या होगा सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो हम क्या करेंगे उन सीरीज और पैरेलल में जितने भी सेल्स कनेक्टेड है उनको एक इक्विवेलेंट सेल से हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, और एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट का रिजल्ट क्या होता है। अभी एक क्वेश्चन है जो जेईई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखो दो बैटरीज दिए हुए हैं, है ना, क्या है दो बैटरीज दिया हुआ है, एक एक सेल या बैटरी का ईएमएफ क्या है E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R1, दूसरा जो सेल दिया हुआ है उसका ईएमएफ क्या है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2 है। आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी, फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर, और इसी को हम क्या बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी या टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ एनी वन ऑफ द बैटरी, या दूसरे वे में हम इसको ये बोल सकते हैं कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब कुछ नहीं मुझे करना है, इसमें क्या है क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, यहाँ मैंने लिखा इन द शोन फिगर फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो ये दो सेल्स दिए हुए हैं जिनका ईएमएफ क्या है E1 E2 है, और हमने यहाँ माना है कि इनका ईएमएफ जो क्या है E1 इक्वल है। ये क्या है सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू कनेक्टेड है, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कंडीशन कि स्मॉल आर आई मीन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E1 इज ग्रेटर देन क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E2। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल E1 इज जीरो देन व्हाट इज द रिलेशन अमंग R1, R2 एंड R। ये दो क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम वन बाई वन देखेंगे और फिर हम क्या पढ़ेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो देखो क्या इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमने ये मान लिया है, देखो इसमें क्या है हमने कंसीडर कर लिया कि करंट जो है आई फ्लो हो रहा है कैसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब सिंपल हम क्या करेंगे पहले लूप लॉ यूज करके हम क्या करेंगे करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं बाई क्या होगा बाई, देखो यहाँ प्रूफ भी हो जाएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो लिख सकते हैं बाई यूजिंग के वी एल इन क्लोज लूप। अब देखो ये ध्यान देना है कि जब हम क्या होंगे बैटरी, देखो तो इसके क्रॉस पोटेंशियल करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो लो टू हाई जब जाओगे तो क्या होगा, हाँ एक आप ये चीज पूछ सकते हो कि यहाँ क्या होगा बैटरी करंट हम किससे कंसीडर करें किस बैटरी से, व्हेन एवर मोर देन वन सेल्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट, तो आप किसी भी सेल से क्या करो करंट कंसीडर करो। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा होता है वो क्या करता है सोर्स की तरफ बिहेव करता है, हम ऐसा मान लेते हैं, नहीं तो आप किसी भी सेल से कंसीडर कर लो, यदि करंट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है देन हमने जो डायरेक्शन कंसीडर किया है वो करेक्ट है, यदि निगेटिव आएगा ये इंडिकेट करेगा कि करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है गलत है, ठीक है। आई मीन हम क्या करेंगे करंट के डायरेक्शन को क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ क्या है हमने मान लिया कि E2 और यहाँ देखो ये क्या है सीरीज में है, तो ये क्या है और सीरीज इनहेंस कर रहा है करंट एक बूस्ट कर रहा है दोनों बैटरी, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यदि आप KVL अप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, देखो E2 इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा E2 फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, है ना, इसके क्रॉस क्या होगा माइनस आई R2, इसके क्रॉस अगेन क्या होगा माइनस आई R1, अगेन इसके क्रॉस क्या होगा प्लस E1 इक्वल टू क्या हो गया जीरो। आप लिख सकते हैं देखो E2 माइनस E1 इक्वल टू आई इंटू क्या लिखेंगे R1 प्लस R2, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया E2 माइनस E1 अपॉन R1 प्लस क्या हो गया R2। अब देखो यदि यहां क्या होगा
E2 यदि E1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो करंट का जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है वो क्या है, करेक्ट है। यदि E2 जो होगा E1 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये टर्म निगेटिव होगा। तो निगेटिव करंट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। दिस मीन्स दैट कि जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर दो। ठीक है, अब क्या मालूम चल गया आपने को, E2 - करंट मालूम चल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम आसानी से लिख सकते हैं। यदि VAB लिखना है तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। देखो तो VAB इक्वल टू क्या होगा, देखो ये अभी मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जब क्या होगा, बैटरी जब क्या होगा सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा E- क्या होगा, IR होगा। जब सिंक की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा, E+ IR होगा। तो यहां लिख सकते हैं E1- क्या लिख सकते हैं, IR1 लिख सकते हैं। यदि आप इसको लिखना चाहो तो अगेन यहां भी हम क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, दोनों से सॉल्व कर सकते हो। हमने ये वाला बैटरी सेल कंसीडर कर लिया जिसका EMF क्या है, E1 है। आपको लग रहा है तो इसको भी कंसीडर करोगे, आंसर सेम आएगा। अब यहां जब वैल्यू रखोगे तो E1 - I का वैल्यू रखो, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं E2 - क्या होगा, E1 R1 अपॉन क्या होगा, R1 + R2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख सकते हो। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, VAB इक्वल टू क्या होगा, E1 R1 plus E2 - E2 R1 plus E1 R1 / क्या होगा, R1 plus R2। यही होगा ना, क्या होगा, R1 plus क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम सब सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, हमने गलत लिख दिया क्या। यदि ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो E2 R2 कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, E1 है ना, ये ऐसा प्लस लिखने से क्या होगा, यदि हम प्लस कर दें E2 - E1, नहीं हमने गलत लिख दिया क्या, तो ये VA - VB इज इक्वल टू E और VB - VC इज इक्वल टू, सही तो है यार, तो VA सही तो लिखा है, फिर गलत कैसे। ठीक है, ये क्या होगा, E1 - क्या हो जाएगा, E2 - E1 अपॉन क्या हो जाएगा। अच्छा हमने यहाँ यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, इसलिए गलत हो रहा है। ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सही है, यहाँ ये प्लस होगा। अब जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, EB - हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, E1 R1 कैंसिल हो जाएगा, तो VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 R2 - E2 R1 / R1 + R2। तो यही क्या हो गया आपका, इक्वेलेंट EMF भी हो गया, क्या हो गया, E इक्वेलेंट। हमने शायद रिजल्ट भी लिखा था अभी कि पैरेलल में यदि कनेक्टेड होगा तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब यदि इस टाइप का होगा तो हम क्या करेंगे, बैटरी को क्या करेंगे, पोलैरिटी के साथ मैंने बताया था कि जब भी आपको क्या करना है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बैटरी को क्या करना है, आपको पोलैरिटी के साथ आपको लिखना है। ठीक है, ये क्या हुआ, E1 R2 - E2 R1 / क्या होगा, R1 + R2, इक्विवेलेंट EMF ऑफ द बैटरी। और क्या हुआ, इसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस एनी वन ऑफ द सेल। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि क्या है, कि टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस क्या है, E1 जीरो है। अब हम क्या करेंगे, शायद देखो यहाँ फाइंड द R इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, कब, जब टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस E1 क्या हो जाए,
जीरो हो जाए, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या है, जब भी टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहा है तो क्या याद रखना है, यदि बैटरी सोर्स की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा, ई माइनस आई आर, यदि सिंक की तरह काम कर रहा है तो ई प्लस क्या होगा, आई आर। यही क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब आप यदि लूप लॉ यूज करोगे या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो ये बैटरी क्या है, सीरीज में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यदि आप लूप लॉ यूज करोगे, लूप लॉ यूज करोगे, ठीक है, ए बी सी डी ई और क्या हो गया एफ, तो यहां लिख सकते हैं अप्लाइंग, देखो अप्लाइंग के वी एल इन क्लोज लूप, क्लोज लूप क्या होगा, ए बी सी डी ई ए, ठीक है, ई एफ ए। अब यहां से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, देखो यहां से अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन माइनस आई आर, ठीक है, माइनस आई आर टू माइनस आई आर स्मॉल आर वन प्लस ई वन प्लस क्या होगा, ई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से आई मिल गया आपको, आई कितना मिलेगा, देखो तो आई का वैल्यू कितना मिलेगा, यहां से देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई वन प्लस क्या होगा, ई टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर। अब यहां लिख सकते हैं ये करंट मिल गया, तो टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज एक्रॉस ई वन, ई वन कितना हो जाएगा, इसको मैं वी वन लिख देता हूं, तो वी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वन माइनस आई आर वन, क्यों, क्योंकि ये जो बैटरी है ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्या हो रहा है, ये करंट सप्लाई कर रहा है, सिंक की तरह नहीं है, आई मीन करंट ये क्या हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से आप क्या करो, आई का क्या करो, वैल्यू रख दो, तो जब वैल्यू रखोगे तो ई वन माइनस क्या हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू है ना अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर इंटू आर वन, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं ई वन आर वन प्लस ई वन आर टू प्लस ई वन आर माइनस ई वन आर वन माइनस ई टू आर वन, यही होगा अपॉन क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर, यही होगा ना टर्मिनल वोल्टेज एक्रॉस वी वन। सिमिलरली आप टर्मिनल वोल्टेज एक्रॉस ई टू क्या लिखोगे, ई टू माइनस क्या लिखोगे, आई इंटू आर टू, ठीक है, क्योंकि दोनों बैटरी है यहां क्या है, सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसी में हम देखेंगे, जब रिवर्स करके हम देख लेंगे, तो अब जब आप यहां लिखोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो वी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वन इक्वल टू देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ई टू ई वन आर वन, देखो तो ई वन आर वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां वी वन इक्वल टू क्या मिलेगा, ई वन ई वन इंटू आर प्लस आई मीन आर आर टू प्लस आर है ना माइनस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस क्या मिला आर। अब दिया हुआ है कि यदि यहां से देखो यही से हम सोच सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ वी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो देखो ई वन इंटू क्या हो जाएगा आर टू प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू आर वन हो जाएगा, यही होगा ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ है वी वन जीरो दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ई वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है ई टू, तो देखो ए वाला और ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या होगा आर वन माइनस क्या हो गया आर टू, ठीक क्या हुआ, यहाँ क्या है आर वन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर वन जो है वो क्या है आर टू से क्या है बड़ा है, तो दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन क्या हुआ आर वन एंड आर टू, दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन आर वन एंड आर वन आर टू एंड आर, आई मीन कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा आर वन माइनस क्या हो जाएगा आर टू हो जाएगा। उसके बाद देखो तुमको किरचॉफ्स लॉ आ जाना चाहिए है ना, आप दो तीन चार पांच न्यूमेरिकल सात न्यूमेरिकल अपने से प्रैक्टिस कर जाओ तो किरचॉफ्स लॉ ऑटोमेटिक आ जाएगा।
इसके बाद जो दिया हुआ है क्या है, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, बैटरी, क्या है, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। उसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे बाद में, तो हम यहां लिख देते हैं क्या, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी या सेल्स, ठीक है। अब देखो क्या है यहां, जैसे मान लो कि क्या है यहां, सभी जो सेल्स दिए हुए हैं, है ना, क्या है, सभी जो सेल्स दिए हुए हैं उनका जो ईएमएफ क्या है, हम मान लेते हैं क्या है, इक्वल ईएमएफ है, क्या ई है ना, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उसी तरह। और इसमें क्या है, देखो टोटल नंबर्स ऑफ रोज जो हैं वो कितने हैं, ए आर, आई मीन एक रो में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, क्या है, एन सेल्स हैं, ईच एक रो में कितने सेल्स हैं, एन सेल्स है ना, तो बाद में हम लिख लेंगे। उसी तरह ये सेकेंड रो हुआ, डैश डैश डैश, एंड डैश डैश क्या हुआ, ए लास्ट रो हुआ, ठीक है। आई मीन ये क्या हो जाएगा, और यहां हमने क्या किया है, इस टोटल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या चीज से कनेक्ट कर दिया है, आर से कनेक्ट कर दिया है। देखो क्या है, एम रोज है, नंबर ऑफ रो कितने हुए, एम ई ई आर ई आर, ठीक है, या भी ई ई आर आर, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ई ए लोड रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन। यहां मैं लिख रहा हूं देयर आर, क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितने हुए, एम, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो इक्वल टू क्या हुआ, यही हो गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे आप बता सकते हो, तो यहां से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू एम। ये आपको समझ में आई बात, अरे यही होगा ना, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे यार, इसमें कितने सेल्स हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स ईच रो में है, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एम रो दिया हुआ है, एम रो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ रो कितना है, एम है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, एम इंटू एन, नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू एन हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, करंट कहीं ना देखो, तो करंट ऐसे सप्लाई हो रहा होगा, अब कुछ नहीं करना है अपने को, देखो तो इन सबको क्या कर सकते हैं, इनके सीरीज इक्वेलेंट से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो, तो अभी मैंने बताया था कि सीरीज में क्या होता है, सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, एक सिंगल ईएमएफ ऐसे, यहां क्या हो जाएगा, ये कितने रजिस्टर हुआ, एन एन इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा, एन इंटू ई, यही होगा ना। उसी तरह सेकेंड रो में कितने इक्वेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये आपको समझ में आया, देखो ई दिस प्लस दिस, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर प्लस प्लस, यही होगा ना, ये सीरीज में है ना यार ये टोटल, तो इनको हमने सीरीज इक्वेलेंट से क्या किया, रिप्लेस किया, जिसका सीरीज इक्वेलेंट सेल से रिप्लेस किया, जिसका ईएमएफ क्या होगा, एन इंटू ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन इंटू आर। उसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, एन इंटू ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन इंटू आर, ठीक है, समझ में आए, डैश डैश डैश। उसी तरह जब आप लास्ट वाला रो में देखोगे, है ना, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ई आई मीन एन इंटू ई, और ये क्या हो गया, एन आर। यहां से हमने क्या किया, एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, इससे हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये आपको समझ में आई बात, हमने क्या किया, देखो इसको सीरीज से रिप्लेस कर दिया,
फिर इसको सीरीज इक्वेलेंट से रिप्लेस कर दिया, इस टोटल को सीरीज इक्वेलेंट सेल से क्या किया, रिप्लेस कर दिया, तो सर्किट क्या हो गया, ए ऐसे हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो ये सभी क्या है, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए क्या, तो अब हम क्या करेंगे, इनको पैरेलल इक्वेलेंट से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा कि यदि सेल्स, ऑल सेल्स का ईएमएफ क्या हो, सेम हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो, तो उनको पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे, तो इक्वेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, उतना ही होता है, आई मीन क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। तो इसका जवाब, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, एक सिंगल सिंगल क्या हो जाएगा, सर्किट मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल सर्किट मिल जाएगा। ये देखो इनको क्या मैंने किया, पैरेलल इक्विवेलेंट से क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो यहां मैंने क्या लिखा, ईपी, और यहां क्या लिखा, आरपी और ए, यही करंट हो गया, ठीक है। आरपी इक्वल टू, आपको ही मालूम है आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आरपी इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू क्या हो जाएगा, एम, एन इंटू आर अकाउंट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अरे नंबर ऑफ रोज जितने होंगे उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यदि मान लो कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो हम क्या करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं। थ्री रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हम क्या करते हैं, थ्री से डिवाइड करते हैं। यदि फोर इक्वल रेजिस्टेंस क्या हो, पैरेलल में हो, तो हम क्या करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे। उसी तरह यदि क्या हो, इक्वल रेजिस्टेंस एम रोज में हो, है ना, आई मीन एम इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो क्या हो जाएगा, उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज, आई मीन कितना हो जाएगा, एम। तो हमने क्या लिखा, एनआर अपॉन क्या लिख दिया, यही करंट हो गया। और ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू क्या हो जाएगा, यही होगा ना। देखो यहां से हमने सर्किट कौन सा ड्रॉ कर दिया, ये वाला। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं है, सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको क्या करना है, सर्किट को क्या करना है, रिड्यूस करते जाना है और सर्किट को रिडक्शन करते जाना है, और उसके बाद क्या होगा, एक सिंप्लीफाइड सर्किट मिल जाएगा। तो यहां से आप देखोगे कि आई, आई क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन एम प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यही क्या हुआ, करंट सप्लाई बाय द क्या हो गया, करंट सप्लाई बाय द क्या हुआ, करंट सप्लाई बाय द ऑल बैटरीज, या करंट इन द क्या हो जाएगा, सर्किट। दिस इज नथिंग बट द करंट इन द क्या होगा, सर्किट। अब यहां क्या होगा, करंट, एक करंट हो गया, ये ईएमएफ ऑफ द सेल, नंबर ऑफ सेल्स इन द क्या हो गया, ईच रो, और नंबर ऑफ एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है, यहां देखो मैंने लिख दिया है ना। अब क्या होगा, इसके बाद आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंडीशन, मैंने अभी बताया था। अब यहां हम यूज करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, क्या होगा, यहां हम यूज करेंगे क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो सिंपल यहां देख सकते हो कि करंट सप्लाई, देखो तो पावर डिसिपेशन क्या होगा, पावर क्या होगा, पावर ट्रांसफर टू द क्या होगा, आर इक्वल टू पीडी, हम लिख सकते हैं पीडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आर, आई कितना है देखो तो एन ई स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एन आर अपॉन एम प्लस आर द क्या होगा, होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब आप यहां देखोगे क्या होगा, यहां देखोगे हमने बताया था थोड़े इसके पहले क्लास में कि क्या होगा, कि अकॉर्डिंग टू क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब आप देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह या डिफरेंशिएट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन हम उतना, अब देखो यहां क्या होगा, जो पावर ट्रांसफर जो डिपेंड करेगा वो क्या होगा, एन एम पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा, एन एम पे भी डिपेंड करेगा, कितना नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हम बता सकते हैं कि पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्या होगा, यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू
क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पावर ट्रांसफर टू द लोड टू द आर विल बी क्या होगा, विल बी मैक्स इफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन एम इक्वल टू क्या होगा, ये याद रखना है। अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम वीवीआई बोल सकते हैं। कि क्या होगा कि पावर ट्रांसफर टू द लोड विल बी मैक्सिमम टू द क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड विल बी मैक्सिमम इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस या कैपिटल आर। तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया, इसके पहले मैंने प्रूफ किया था, मैं इसको प्रूफ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट क्या किया, इसको लिख दिया। अब यहां से आप पीडी मैक्स भी लिख सकते हो, ये क्या हुआ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक और चीज होता है, देखो इस केस में देखा गया है, आप यहां से चेक भी कर सकते हो कि यहां क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू आई मीन यहां होगा करंट इन द सर्किट, क्या होगा, करंट इन द सर्किट ऑल्सो विल बी मैक्सिमम वेन क्या होगा, एक तो होगा क्या, ये पावर ट्रांसफर के लिए। दो तरह से पूछा जा सकता है कि पावर ट्रांसफर टू द क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर विल बी मैक्सिमम, और ये पूछा जा सकता है कि करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी क्या होगा, मैक्सिमम, व्हाट शुड बी द कंडीशन। तो इसमें देखा गया है, या प्रूव भी कर सकते हो कि यहां क्या है, इन मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, शेल corresponding to maximum power transfer current in the क्या होगा circuit is also maximum। तो आई मैक्स भी आपसे कोई पूछे, आई मैक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो एन ई अपॉन क्या लिखेंगे, एन ई अपॉन क्या लिखेंगे, एन आर अपॉन क्या लिखेंगे, एम प्लस एन आर अपॉन क्या लिखेंगे, एम, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो एम ई अपॉन क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, जब पावर क्या होगा, मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, तो करंट इन द सर्किट ऑल्सो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे दो तीन बार न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, एक इससे और इससे, ठीक है, जो अभी हम क्या देखेंगे। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या करना है आपको, सीरीज पैरेलल का क्या है कॉन्सेप्ट यूज करके, और सेल्स को क्या करना है, एक इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस कर देना है, और फिर उसके बाद आप तो जानते ही हो, सिंपल हम क्या करेंगे, सर्किट एनालिसिस कॉन्सेप्ट यूज करके हम करंट निकाल लेंगे। लेकिन याद रखना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर या मैक्सिमम करंट इन द सर्किट विल फ्लो ओनली व्हेन एन आर अपॉन एम इज इक्वल टू क्या होगा, आर। आई मीन एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, एम क्या है, नंबर ऑफ रो, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, एंड कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन देखो, इसमें ये दिया हुआ है आपको, मैं बता रहा हूं कि देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जैसे क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो याद रखना है कि मिक्स कॉम्बिनेशन में जब पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा तब करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन अदर केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखो, इन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल क्या होगा, ये एक एग्जांपल है,
देखो क्या दिया हुआ है कि इन देखो इन यहां लिख देता हूं इन मिक्स्ड ग्रुपिंग या सिंपल मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं ठीक है। कितने सेल्स दिए हुए हैं, ईच रो कंटेन 10। देखो क्या है यहां, हाँ ये दिया हुआ है, चलो लिख ही देते हैं इन ए मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। क्या है, इन अ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स फाइव रोज आर फाइव रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ईच रो कंटेन 10 सेल। द कॉम्बिनेशन क्या होगा, द कॉम्बिनेशन सेंड करंट आई थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। If the EMF internal resistance of each cell is itna, find the value of kya hoga? I. Kya hoga? Find the value of if twenty ohm है ना? If the EMF and internal resistance is 1.5 volt and 1 ohm, then find I, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, यहां हमने क्या लिखा था पहले, देखो सॉल्यूशन में मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट। मैंने ये क्या बताया था कि सबसे पहले हमने माना था कि ईच रो में कितने सेल्स है, एन सेल्स। तो हमने क्या लिखा था, देखो ईएमएफ जो होगा वो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन इंटू ई, और आरटी कितना था, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, यदि आर लिख इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, एन ई अपॉन क्या था, एन आर अपॉन एम, और यही क्या है, लोड रेजिस्टेंस। अभी जस्ट मैंने बताया था, अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फाइव रोज, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एम इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फाइव, और ऐसे कितने रोज हैं, फाइव रो, और कितने एक रो में कितने सेल्स हैं, 10 सेल्स दिया हुआ है पैरेलल एंड ईच रो कंटेन 10 सेल्स। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, एन इक्वल टू 10 हो गया। आर इक्वल टू दिया हुआ है, आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू 1 ओम। ई इक्वल टू दिया हुआ है, ई इक्वल टू क्या दिया, 1.5 वोल्ट। एंड कैपिटल आर इक्वल टू भी क्या दिया हुआ है, 20 ओम। क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर इक्वल टू 20 ओम।
दिया हुआ है ना, कैपिटल आर इक्वल टू 20 ओम। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आई करंट सप्लाई या करंट इन द सर्किट इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू ई अपॉन एन आर अपॉन एम प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल आर। वैल्यू रख दो, एन कितना है 10, तो 10 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई एन, 10 इंटू कितना दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई एम कितना है 5 प्लस 20। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 2 प्लस 20, आई मीन कितना हो जाएगा 2 प्लस 20 आई मीन कितना हो जाएगा 15 अपॉन 22। यही क्या हो जाएगा एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही क्या होगा इतने एम्पियर आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.68 एम्पियर। तो देखो ये क्या है, डायरेक्ट हमने ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। अब हमने बस केवल हमने ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखा, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन जो है जो मैं बताना चाह रहा था वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ क्या है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 सेल्स, कितने सेल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन देखो, 100 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ क्या दिया हुआ है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम आर टू बी। एक क्वेश्चन आता ही है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर टू बी अरेंज्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम करंट इन कितने ओम दिया हुआ है इन 25 ओम रेजिस्टर्स, ठीक है। ईच रो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स, दिया हुआ है कि ईच रो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ क्या है नंबर ऑफ, यही आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ, मैक्सिमम पावर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैक्सिमम करंट दिया, लेकिन मैंने बताया था आपको ये दिया हुआ है कि 100 सेल्स दिए हुए हैं, आप उसको कैसे क्या करोगे कंबाइन करके कैसे लिखोगे या कैसे उसको अरेंज करोगे, कितने नंबर ऑफ रोज होगा, कितने नंबर ऑफ कॉलम होगा, सो दैट आई मीन कितने नंबर ऑफ रोज और ईच रो में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, सो दैट द करंट इन द रजिस्टर ऑफ 25 ओम विल बी मैक्सिमम। तो ये किसका किस टाइप का क्वेश्चन हुआ कि करंट और पावर, तो मैंने बताया था अभी देखो अभी भी सर्किट मैंने ड्रॉ किया था कि यदि क्या हो इफ नंबर ऑफ रो कितना हो रोज इक्वल टू कितना हो एम, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो कितना होगा एन, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू क्या होगा एम इंटू एन, अभी मैंने बताया था, ठीक है, यही हुआ ना एम इंटू एन। अब एम इंटू एन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम इंटू एन कितना है, क्योंकि टोटल हमने मान लिया कि नंबर ऑफ रो कितना है एम है और ईच रो में कितने सेल्स हैं एन सेल्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि अब देखो सर्किट डायग्राम यदि ड्रॉ करोगे तो इस टाइप का सर्किट होगा, ये हमेशा क्या करना है सर्किट डायग्राम लिखना है, एन आर अपॉन एम दिस इज एन ई और ये क्या हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस, यही आपका क्या दिया हुआ आर इक्वल टू 25 दिया, यही करंट फ्लो हो रहा है। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि आई मैक्स, तो फॉर आई मैक्स व्हाट शुड बी द कंडीशन,
so that the current flowing in the mix, current flowing in the combination of mixed cell will be maximum. तो क्या होगा देखो तो for क्या होगा I max, यहाँ बोल सकते हैं कि n n r upon m is equal to क्या होगा I mean capital R, यही होगा ना. अब देखो एक तो यहाँ से आप देखो क्या कि n upon m into r equal to क्या हो जाएगा 25, और दिया हुआ है कि internal resistance कितना दिया हुआ है, internal resistance का value क्या दिया हुआ है 1 ohm दिया हुआ है, तो n upon m into क्या हो गया 1 equal to 25, तो n equal to क्या हुआ 25 into m. इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है m into n equal to क्या दिया हुआ है m into n equal to क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है. अब आप देख सकते हो यही है ना, ठीक है, यही है ना प्रोड्यूस मैक्सिमम करंट है ना, इक्वल नंबर ऑफ सेल्स, सही है. अब आप यहां से देख सकते हो कि ये क्या हुआ n और m. अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो n का वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा 25, m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, तो m स्क्वायर इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, m इक्वल टू 2 हुआ तो n इक्वल टू कितने हो जाएंगे 50. तो नंबर ऑफ रोज कितने होना चाहिए 2, और ईच रो में कितने बैटरी सेल्स होने चाहिए 50, ठीक है. तो ऐसे हम क्या करते हैं सेल से रिलेटेड हम क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और भी मैं 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप इस पर प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट कि हमेशा, क्योंकि सीरीज और पैरल का तो यूज है ये नो डाउट, लेकिन इससे भी आपसे क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है. आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके बाय.